देश के सबसे बड़े सिया संगठन हुसैनी टाइगर्स की तरफ से लखनऊ के चौक स्थित जेबीपी गार्डन में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस ईद मिलन समारोह में लखनऊ के हजरतगंज स्थित इमामबाड़ा सिप्तैनाबाद के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जमात नकवी समेत शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, भाजपा नेता अलमील शमशी और हुसैनी टाइगर्स के संस्थापक शमील शमशी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सरकार से इमामबाड़ा सिप्तैनाबाद को वक्फ बोर्ड को सौंपे जाने की मांग को रखा गया। पिछले कई वर्षों से सरकार से ये मांग उठाई जा रही है कि इमामबाड़े की सारी जिम्मेदारियां एलडीए से लेकर वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाए। हुसैनी टाइगर्स द्वारा इमामबाड़ा सिप्तैनाबाद की सारी तस्वीर डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोगों को दिखाई गई और ये बताने की कोशिश की गई कि कितना ज़रूरी है इमामबाड़ा सिप्तैनाबाद को उसका पुराना दर्जा दिलाया जाए। ईद मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ ही इस अवसर पर हुसैनी टाइगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नकी हुसैन और राष्ट्रीय महासचिव शहजाद अब्दी के साथ हुसैनी टाइगर्स के जुड़े तमाम लोग उपस्थित रहे, जहां पर सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। मौलाना जी, आज हुसैनी टाइगर्स की तरफ से ईद मिलन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी लॉन्च की गई है इमामबाड़ा सिप्तैनाबाद, तो उस पूरे कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लखनऊ में जो हजरतगंज सबसे मेन यहाँ का बाज़ार है उसमें ये इमामबाड़ा है, और आज तकरीबन 25 साल पहले हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं था, बल्कि पब्लिक को मालूम नहीं था वहाँ कोई इमामबाड़ा भी है, क्योंकि उस पर नाजायज कब्जा था एलडीए के। इससे पहले इम्प्रूवमेंट अथॉरिटी कोई थी, अंग्रेजों ने कुछ बनाया था, उनका कब्जा था, फिर उन्हीं ने एलडीए को उसको दे दिया। तो इसको जब यहाँ पर कब्जा हुआ, जहाँ जंग हुई यहाँ के ऊपर हुकूमत से यहाँ की लखनऊ की, तो उन्होंने बहुत से इमामबाड़ों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जैसे जैसे जुबली कॉलेज है, जुबली कॉलेज भी ये पहले की आज़ादी से पहले स्वतंत्रता से पहले ये इमामबाड़ा था। इसी तरह से ये जो बड़ा इमामबाड़ा आपको दिखाई दे रहा है, तो किला बना लिया था अंग्रेजों ने। आज जो पुरानी तस्वीर आप देखेंगे तो वहाँ तोपे लगी हुई तो उसको किला बना लिया था अपना। इसी तरह से सिप्तारा इमामबाड़े पर भी, सिप्तारा पर भी कब्जा कर लिया था और वहाँ चर्च बना दिया था उन्होंने, अपना धार्मिक बाजारगाह बना दी थी उन्होंने। उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो जितने इंडियन गवर्नमेंट आई तो उन्हीं ने जो रिफ्यूजीज थे उसको वहाँ पर उनको बसा दिया। तो अब वो मुश्किल पेश आई, फिर हमने 2004 में इसके लिए तैयारी हमने शुरू की, और उसके बाद वहाँ उस जमाने में काफ़ी उसके बाद लड़ाई रही उसकी, हम लोग बहुत से जुलूस हमने निकाले उस पर, यहाँ तक कि हमारे बड़े छोटे यहाँ गोफरमा में जो सबसे बड़ी मजिस्ट्रे होती है, हमने ऐलान कर दिया था कि सारी मजिस्ट्रे हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो उससे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो होगी दब गई, तो उन्होंने उसको खाली करवाया। लेकिन खाली करवाने में सिर्फ मेन जो इमारत है उन्होंने वो खाली की और थोड़ा सा सहन खाली किया, लेकिन अब भी काफ़ी नाजायज कब्जे वहाँ पर बाकी हैं और उसमें एलडीए वाले उसका किराया ले रहे हैं, जबकि एलडीए को कोई वहाँ पर अधिकार नहीं है वहाँ बड़े किराया जो है एलडीए वाले ले। तो हमारी लड़ाई अभी जारी है और उसमें हमारे शलीन शमीर शमशी साहब हुसैन टाइगर, इससे पहले फाजार ने हुसैन नाम की एक तंजीम हमने बनाई थी एक एडवोकेट, उसने भी काफ़ी इसमें हिस्सा लिया। अब यहाँ जो हुसैनी टाइगर वाले उन्होंने ये बेड़ा उठाया कि इसको आज़ाद करवाया जाएगा, तो हम योगी जी से और दूसरे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि भाई हमारा इमामबाड़ा इस पर वापस किया जाए, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको कहीं और स्थानांतरित किया जाए, और उनको बेघर ना किया जाए, उनको जगह दी जाए उनको वहाँ, ताकि वो रह सके कहीं बेघर ना हो जाए। तो इतना कह रहा है सर, आज हुसैनी टाइगर्स की तरफ से ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या कुछ उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? देखिए, चाहे ईद मिलन हो, चाहे होली मिलन हो, चाहे दिवाली के इस तरह के प्रोग्राम होंगे जिसमें गैदरिंग होती है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि सभी धर्मों के लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के साथ उनके हालचाल जानें, उनसे मोहब्बत बढ़ाएं, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कारगर है तो मोहब्बत है। बहुत सारे लोगों ने हमेशा कोशिश की देश की मोहब्बत, देश की एकता अखंडता को तोड़ने की, मगर कभी भी ये हजारों हजार साल से जो यहाँ की मोहब्बतें हैं उनको हराने में दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं हुई। ईद मिलन भी उसी कोशिशों की एक श्रृंखला का एक हिस्सा है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो एक दूसरे से मिले, मोहब्बतें रखें, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे की इज्जत रखें, हर धर्म के, हर मजहब के, हर पंथ के लोगों का सम्मान करें, उनके धर्म का सम्मान करें। यही उद्देश्य जो है वो ईद का भी है, धर्म का भी उद्देश्य है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे और कोई भी धर्म हो, सब के उद्देश्य यही है कि अपना धर्म तुम्हारे हमारे लिए, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए।
हुसैनी टाइगर्स जो आपका संगठन है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ कार्य हैं अभी या क्या कुछ उनके अगर कह सकें कि बेसिक्स हैं उसको उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए हुसैनी टाइगर्स की बहुत सारी खिदमात हैं। हुसैनी टाइगर्स लखनऊ में बहुत बड़े पैमाने पे ब्लड डोनेशन का काम करता है। हुसैनी टाइगर्स के तत्वाधान में गरीब बच्चों की शादियों से लेके कुछ लोगों को हम लोगों ने कारोबार तक कराने का प्रयास किया। जैसे कई लोगों को उन्होंने कार्ड दिलाई, उनको कारोबार किया, उनको कारोबार सिखाया, उनको बिजनेस सिखाया और आज उनके हालात जो 400-500 रुपए रोज के दिहाड़ी मजदूर थे, आज उनकी आमदनी 1-1.5-1.5 लाख रुपए महीना की आमदनी हुई है। ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने की हैं, जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है और लोग इससे बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं कि उसमें लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो वाकई बुनियादी काम है और इसकी ज़रूरत है, जिसको सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए। लेकिन ये बीड़ा भी हुसैनी टाइगर्स ने अपनाया है और इसी में आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लड़के इसमें जुड़ते चले आ रहे हैं, नौजवान लड़के, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के इस कार्यक्रम में इमामबाड़ा सुल्तानाबाद को लेकर आपने कब्जे को लेकर आज एक मांग करी है प्रदेश सरकार से, क्या कुछ सही जरूरत है? देखिए इमामबाड़ा सुल्तानाबाद जो है वो स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा सिपाही है कि जिसने सबसे ज्यादा यातनाएं झेली। अंग्रेजों ने वहां इमामबाड़े के तरफ सिमट करके वहां तोपें लगाई, वहां पर उसको कैंट टाइप से उन्होंने बनाया, फिर वहां पर उन्होंने उसको लूटा, सभी तरह के जुल्म किए और उसके जो सारी प्रॉपर्टी थी उसको हड़प लिया। 1947 के बाद से शिया समुदाय बहुत कोशिशें करता रहा मगर किसी भी हाल में ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई कि वो इमामबाड़ा जो है पूरी तरह आज़ाद हो। 2004 में शिया आंदोलन के बाद इमामबाड़े का जो मेन परिसर था, जो मेन हॉल थे वो खाली हुए, मगर आज भी परिसर जो है वो पूरी तरह से उसी अंग्रेज सरकार द्वारा कब्जा कराई गई लोगों द्वारा ही आज भी जो है वो जकड़ा हुआ है। उसकी आज़ादी के लिए हम लोगों की कोशिश है कि वो सरकार उसके ऊपर वो करे। पर अभी तकरीबन 2 महीने पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी और गत वर्ष हमने जो था वो अमित शाह जी से भी मुलाकात की थी और उसमें हम लोगों ने इसकी मांग लिखित तौर पर दी भी थी। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त प्रदेशवासियों को ईद के पावन पर्व की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। आज इस ईद मिलन समारोह में मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं जिसमें आया, यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे अच्छे अच्छे मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ वक्फ प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचमेंट की बात भी जानने में आई तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार वक्फ प्रॉपर्टीज के संरक्षण के लिए कार्यरत है। उत्तर प्रदेश की सरकार वक्फ संपत्तियों के संरक्षण के लिए कार्यरत है और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं आप सभी को कि जितनी भी वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं कि जिन पर कब्जे किए हैं, नाजायज कब्जे हैं, उनको निजात दिलाई जाएगी कब्जों से और आजाद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज ईद मिलन का कार्यक्रम था, उसको लेकर क्या कहेंगे आज? पहले तो हमारी और हम सबकी तरफ से सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारक हो। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मिलन समारोह किया गया था और आपसी सौहार्द का एक कार्यक्रम था जिसमें सभी वर्ग के लोगों को इनवाइट किया गया था और शिया सुन्नी हिंदू मुसलमान हर तरह के हमारे दोस्त, मिलने वाले लोग, समाज के सम्मानित लोग यहाँ पे मौजूद थे। और इस तरह के कार्यक्रम क्योंकि लखनऊ की खास करके एक तारीख रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की एक जो है रस्म रहे हैं और इसी उस पर जो है कार्यक्रम रखा गया। आज के कार्यक्रम में एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था इमामबाड़ा सुल्तानाबाद को लेकर, इसके बारे में क्या कहें? जैसा कि आपने देखा कि इमामबाड़ा सुल्तानाबाद जो है और आज भी उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कब्जे में हैं लोगों के और जो वो वक्फ प्रॉपर्टी और बोर्ड को उसका किराया नहीं मिलता है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ पे हमारे इख्तियार हैं और उस सिलसिले में हमने जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है कि जिसमें उसके लिए अवेयरनेस पहुंचाई जा सके और अपना मैसेज जो है जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया जा सके जिससे हमारी जो रिलीजियस जगहें हैं, जो हमारी आस्था का केंद्र है, उनको जो है आज़ाद कराया जा सके। चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।